बात करते हैं रीवा की, जहां नगर निगम के महापौर का चुनाव अब त्रिकोणीय होता दिख रहा है। वो इसलिए कि कांग्रेस छोड़कर आप पार्टी में शामिल हुए इंजीनियर दीपक सिंह ने आज अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद इंजीनियर दीपक सिंह ने कहा कि आम आदमी के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। दीपक सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि आम जनता चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि दीपक सिंह ने हाल में ही कांग्रेस पार्टी से बगावत कर आप पार्टी का दामन थामा है। खासकर दीपक सिंह के मैदान में आ जाने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। माना यह जा रहा है कि दीपक सिंह कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही समीकरण बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आइए आपको सुनाते हैं महापौर के प्रत्याशी बनाए गए दीपक सिंह ने क्या कहा। हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आम आदमी के मुद्दे लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और आज ये दीपक सिंह सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा, ये रीवा का आम जनमानस, जो रीवा का आम आदमी है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का है, वो चुनाव लड़ रहा है। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि रीवा में नगर निगम में चले जाइए, किसी भी चीज़ का पंजीयन कराना हो, किसी भी चीज़ पर, हर जगह पे कमीशन खोरी चलती है। उस कमीशन व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए आज आम आदमी पार्टी ने झाड़ू उठाया है और इसकी हम सफाई करके रहेंगे। और आपने जिस तरह से देखा है कि रीवा के अंदर चाहे सीवर लाइन का घोटाला हो, चाहे रीवा के अंदर स्ट्रीट लाइट का घोटाला हो, चाहे रतहरा चौराहा रोड की बात हो और चाहे नदी नालों की बात हो, हर जगह इन्होंने 20 साल से सिर्फ खाने का काम किया है। तो हमारे जो मेन मुद्दे हैं कि 20 साल में तो एक बच्चा पैदा होके जवान होके बड़ा भी हो जाता है, शादी की उसकी उम्र हो जाती है, नौकरी की उसकी उम्र हो जाती है, पर ये यहाँ की रोडें अभी तक बन नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का शासन रहा है। तो मेरा जनता से निवेदन है कि आदमी सबको बार बार देखता है, कहते हैं ना लोकतंत्र में एक बार मौका, दो बार मौका, तीन बार आप मौका दिए, आपने उनको पूरी तरह से देख लिया और पनप लिया है कि कैसे हैं वो लोग। अब इस बार आम जनता की सरकार, आम आदमी की सरकार बननी चाहिए शहर के अंदर, यही मेरी जनता से भी निवेदन है। और मैं ये कोई महापौर प्रत्याशी होने के नाते नहीं बोल रहा, ये मैं एक आम आदमी होने के नाते, रीवा का आम जनमानस होने के नाते, रीवा की आम जनमानस से निवेदन करना चाहते हूँ, क्योंकि रीवा का मैं महापौर कैंडिडेट नहीं हूँ, रीवा का एक एक वो आम आदमी महापौर कैंडिडेट है जो इन सुविधाओं से वंचित हो रहा है, जो इस चीज़ों से, इन व्यवस्था से परेशान है, वो हर आम आदमी इस महापौर का चुनाव लड़ रहा है। मैं तो कभी शासन सत्ता में नहीं रहा, 20 साल से शासन सत्ता में बीजेपी की सरकार रही, उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ पार्षद जो है कांग्रेस और बीजेपी के हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो आंदोलनकारी हूँ, सड़कों पे आम आदमी की तरह लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा। तो मैं अभी इस स्थिति में नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँ। यदि आम जनमानस ने, यहाँ के आम आदमी ने, एक आम आदमी को परिणाम के रूप में यदि महापौर और शहर की सरकार बनाने का मौका दिया, तो हम लोग जिस तरह से हमारा मैनोफेस्टो है कि हम लोग पूरा हाउस टैक्स फ्री करेंगे और